हाँ तो गाइज, आज हम जो फोटो एडिटिंग करने वाले हैं वो नेम लेटर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जिसकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो गाइज, हमने यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है उसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपलोड कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं टूल वाले ऑप्शन में और यहाँ पर पोर्ट्रेट में इसको क्रॉप कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट है। अभी हमें क्या करना है कि चले जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर सर्च कर देना है लाइट, और वाइट वाली जो लाइट है उसको हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है, और इसका ब्लेंड मोड हमें रखना है स्क्रीन, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हल्के से ऊपर इसको लगा लेना है और इसकी ओपोसिटी को हमें कम कर देना है हल्का सा, इसको रखते हैं 76 अराउंड, एकदम परफेक्ट है। और यहाँ से कर देते हैं अभी इसको डन। अभी हमें क्या करना है कि चले जाना है ऐड फोटो में, और जो अभी हमारा मॉडल का इमेज है उसको हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है, एकदम परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं रिमूव बीजी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हल्का सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और अभी हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं स्टिकर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर सर्च कर देते हैं जो भी आपका नेम का फर्स्ट लेटर आ रहा है उसको हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है, मैंने इसको यहाँ पर अभी चूज कर लिया है। भी हल्का सा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसको एडजस्ट कर लेना है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर चले जाते हैं लेयर वाले ऑप्शन में और इसको कर देते हैं मूव डाउन, एकदम परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं कि मॉडल के इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका कर देते हैं डुप्लीकेट, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर अभी हमें चले जाना है फ्लिप और रोटेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हल्का सा इसको पिचका देना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें इसको एडजस्ट कर लेना है, एकदम शेडो की तरह, एकदम परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं मूव डाउन, एकदम परफेक्ट है। और अभी इसकी ओपोसिटी को हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं, इसकी ओपोसिटी को रखते हैं अराउंड 54 अराउंड, एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके से हमें लेटर को भी डुप्लीकेट कर लेना है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि हल्का हल्का सा नीचे से इसको इरेज कर लेते हैं, तो हल्का हल्का सा मैं इसको दोनों को हल्का हल्का सा नीचे से इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले, एकदम परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं स्टिकर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर सर्च कर देते हैं शेडो, और यहाँ पर हमें इसको लगा लेना है हल्का सा छोटा करके, और यहाँ पर कर देते हैं मूव डाउन, एकदम परफेक्ट है। यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और दूसरे वाले में भी इसको लगा लेते हैं, एकदम परफेक्ट लग रहा है। अभी यहाँ से इसको डन कर देते हैं, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर इसका पूरा हमारा जो नाम है वो लिख लेना है, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ये एकदम परफेक्ट है। और इसके कलर को मैं रखता हूँ वाइट और स्ट्रोक को मैं रखता हूँ ब्लैक, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर अभी हमें चले जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन में और इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ पर ऊपर लगा देना है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ से कर देते हैं डन,
हाँ तो गाइस जो हमारी इमेज है वो अभी एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है। तो अभी हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं ड्रॉ वाले टूल में और यहाँ से इमेज को सेव कर लेते हैं।